नमस्कार, दिनभर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वाति ढलवैज। पटना गया रेलखंड के जहानाबाद स्टेशन पर ट्रेन चढ़ने के दौरान बदमाशों ने एक महिला यात्री को ब्लेड मारकर घायल कर दिया। घायल 24 वर्षीय महिला यात्री रिंकू देवी को सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। घायल महिला अरवल जिले के चौरम थाना क्षेत्र की रहने वाली है। पीड़ित महिला ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ लुधियाना जाने के लिए घर से निकली थी। जहानाबाद स्टेशन पर जैसे ही वह गया जाने के लिए ट्रेन पर चढ़ने लगी, इसी दौरान बदमाशों ने भीड़ भाड़ का फायदा उठाते हुए महिला को ब्लेड मारकर लहूलुहान कर दिया। ट्रेन पर चढ़ते ही उसे काफी ब्लीडिंग होने लगी। महिला यात्रियों के सहयोग से उसके खून बंद करने के लिए ट्रेन पर ही कोशिश की गई, लेकिन खून रुक नहीं रहा था, जिसके बाद परिजनों ने आनन फानन में सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां महिला का इलाज किया जा रहा है। घायल महिला के परिजनों ने बताया कि ब्लेड मारने के साथ ही उसे एहसास हो गया कि किसी ने उस पर हमला किया है। बहरहाल पीड़ित महिला ने घटना की शिकायत पुलिस में नहीं की। जख्मी महिला व उसके साथ रहे लोगों का कहना है कि ट्रेनों में इन दिनों असामाजिक तत्वों का बोलबाला काफी बढ़ गया है और रेल पुलिस लगाम लगाने में असमर्थ साबित हो रही है। ये एक्चुअली मैं लुधियाना जा रही थी और ट्रेन में चढ़ते समय इसको किसी ने ब्लेड मार दिया, और ये जो ब्लेड मारा है ये शेविंग बनाने वाला जो ब्लेड होता है उसी से मारा गया हुआ है और बहुत डीप है। क्या स्थिति ठीक है? नॉर्मल है, हम लोग ने स्टिच और ड्रेसिंग वेसिंग कर दिया है सब। पेशेंट स्टेबल है, इसको वेट एंड वॉच में हम लोग रखे हैं, फिर आगे का जैसा होगा उसका ट्रीटमेंट आगे किया जाएगा। भीड़ थी ट्रेन में? क्या थी? बहुत भीड़ था, पता नहीं चला। कहाँ जा रहे थे? फिर कैसे पता चला आपको? ब्लेड भी नीचे देखे गिरा, तब बोले कि ब्लेड मार दिया, हमारा ब्लेड मार दिया। क्या नाम है आपका? रिंकू देवी। कहाँ घर है? बस्ती भी है।